एग्जैक्ट का मैंने बता दिया था आपको, कंकेटिनेट डॉलर एग्जैक्ट। एग्जैक्ट एंड फाइंड हो गया था अपना। फाइंड, अच्छा, ये डॉलर एग्जैक्ट बता दिया था ना मैंने, क्योंकि कल मेरी दो क्लासें हुई हैं, हाँ मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने कहाँ तक बता दिया। नहीं, हो गया था, डॉलर एग्जैक्ट एंड फाइंड तक आगे हो गए थे। फिक्स के आगे चल रहा था। अच्छा, फिक्स्ड, फिक्स वगैरह वगैरह। तो फिक्स्ड क्या करता है आपका, बस नंबर फॉर्मेट में फिक्स कर देता है और कुछ नहीं करता है। कोई भी नंबर जैसे डालते हैं तो एक नंबर फॉर्मेट में आपका इसको फिक्स कर देता है। अगर हम इसको फिक्स्ड का फॉर्मूला ले लें, इसमें हमारे पास पहला जो आर्गुमेंट है, पहला पैरामीटर जो है वो नंबर रहता है हमारा। क्या नंबर रहेगा, कितने डेसिमल प्लेसेस रहने हैं, ये कहते हैं टू, और कॉमा, विद कॉमास और विदाउट कॉमा। जैसे यहाँ पे 1000 होता, 0 कर दो, तो ये काम करता है। पहला जो होगा हमारा पैरामीटर, ये नंबर लेता है। दूसरा आपसे पूछता है कि डेसिमल पोजीशंस कितनी होनी चाहिए। तीसरा, एज ए ट्रू फॉल्स, अगर आप यहाँ पे फॉल्स देते हो यानी 0, तो ये कॉमा लेता है, मतलब कॉमा शो करता है, और 1 देते हो तो नहीं शो करता है। तो ये एक फॉर्मूला है बेसिकली। वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में सेट कर देता है। संदीप, ये इंडियन करेंसी में अपन जैसे लेते हैं लाख्स के लिए कॉमा हाँ जी, एंड हाँ, थाउजेंड्स के लिए कॉमा, यस वो यस हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं? इज देयर एनी वे? यस यस, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। आपने कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ ली है सर? हाँ, हो गई है कस्टम तो वैसे तो। तो मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ, अगर आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। एक सेकंड सर, सुदीप सर का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, हाँ स्टार्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, प्रदीप एंड सेकंड वन रविंदर जी। नहीं, संजय नहीं है। 6565, एक मिनट देखने दो, मैंने 3 बंदों को मैसेज किया है। हाँ कर रखा है मैंने, 6565। हाँ ठीक, हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था, आपने पूछा है इंडियन फॉर्मेट कैसे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके रख रखा है अपने पास। कहाँ गया हमारा इंडियन नंबर फॉर्मेट? अरे खुल जा, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा जब खुलेगा ये। तो सर ये जो कोड आपको दिख रहा है, ये इंडियन नंबर फॉर्मेट के लिए, आप इसको नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा, कस्टम फॉर्मेट फॉर इंडियन नंबर फॉर्मेट। इसमें क्या करता है ये देखिए आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 10,11,05,413, ये सारे इंडियन नंबर फॉर्मेट हैं। तो आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू, दूसरा कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके। यहाँ पे बस ये कोड पेस्ट कर दीजिए, वो आ जाएगा। इस कोड का मैं थोड़ा सा मतलब क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मे बी ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसमें लॉजिकल टेस्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन, इस जगह पे एक सेमी कॉलन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे इसको।
यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं कि सेमी कॉलन के सेपरेशन के बाद ये कोड्स दिए गए हैं और इसमें लॉजिकल कंडीशंस दी गई हैं बड़े ब्रैकेट्स के अंदर में, जिसमें पहली कंडीशन चलती है कि अगर वैल्यू, ये हमारा 1,22,17,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये फॉर्मेट अप्लाई करेगा, ये पूरा फॉर्मेट, जिसमें यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो आएंगे, लास्ट 0, ये 3 तक गया, 1,000 तक, फिर ये बैक स्लैश लगा रखा है, स्लैश लगा रखा है कॉमा के लिए, क्योंकि तो डायरेक्टली कॉमा देते हैं तो कई बार एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कॉमा के लिए इन्होंने बैक स्लैश लगा रखा है कि कॉमा एक्सेप्ट करे। तो उसके बाद ये हो गए, ये 1,000 हो गया, 10,000, 1,00,000, यहाँ 1,000, 10,000, 1,00,000 यहाँ आ गए, करोड़ यहाँ आ गए, तो करोड़ से ऊपर की वैल्यू होगी या करोड़ होगी तो ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अगर वैल्यू इसमें परसिस्ट नहीं करती है तो ये वाला लॉजिकल कंडीशन चलेगा कि क्या वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1,00,000 है, तो ये वाला आपका चलेगा, मतलब 10,00,000 नहीं, ये करोड़ नहीं है पर 1,00,000 से ऊपर है तो ये कोड आपका अप्लाई हो जाएगा। इसमें इसमें बस करोड़ की वैल्यू नहीं है, करोड़ के लिए कोई कोड नहीं, अगर 1,00,000 से छोटी हो जाती है तो फिर ये कोड चल जाएगा आपका, ये 1,000 वाला। ओके तो ये आप अगर इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको ये चैट पे शेयर कर देता हूँ, आप इसको कॉपी करके रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है जी, इंडियन नंबर फॉर्मेट का। संदीप, ये अगर हम लोग कस्टम फॉर्मेट में सेव कर लेंगे तो दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्सेल, इट फॉर ऑल फाइल्स नहीं, और इट फॉर अ सिंगल फाइल? इट विल ओनली एप्लीकेबल इन सिंगल फाइल सर, बिकॉज कस्टम फॉर्मेट जो हम बनाते हैं वो सिंगल फाइल के लिए होता है, इसीलिए मेरे को इसको सेव करके रखना पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक ठीक है। है। तो हम बात कर रहे थे इसमें और फॉर्मूलाज को हम देखते हैं। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला आते हैं, लेंथ का यूज जानते हैं आप किस लिए करते हैं, तो लेंथ निकालने के लिए, जब आपको किसी टेक्स्ट की लेंथ जाननी हो तो लेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो जितने भी इसमें टेक्स्ट होंगे ये आपको काउंट करके बता देगा कि जी इतने लेटर्स इसके अंदर, इतने कैरेक्टर्स इसके अंदर है, तो एक सिचुएशन के थ्रू आपको समझाता हूँ इसको। पहले हम यूज करते हैं लेफ्ट का फॉर्मूला, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक नाम है, फर्स्ट नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम, तो हमें फॉर्मूला के थ्रू इनको अलग करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम के लिए मैं यूज करूंगा लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट क्या करता है, आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो टेक्स्ट होता है हमारा रेफरेंस सिलेक्शन, हमने दे दिया रेफरेंस इसको, इसका अब कितने कैरेक्टर आप इसमें से उठाना चाहते हैं, सपोज जैसे संदीप अगर देखें तो 7 कैरेक्टर का नेम है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 डालूं तो मेरे को ये 7 कैरेक्टर स्प्लिट करके दे देगा। ठीक है जी, तो कैसे लगाते हैं लेफ्ट का, लेफ्ट टाइप करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कैरेक्टर्स दे देंगे कितने चाहिए। ठीक है जी, तो लेफ्ट से कैरेक्टर उठा लेगा। इसी तरह हमारे पास राइट का फॉर्मूला है, ये राइट से कैरेक्टर उठाता है, जैसे सिंह में देखा जाए तो 5 कैरेक्टर्स हैं तो 5 यहां से उठा लेगा। अब बात रही मिडल नेम, तो इसको हम यूज करते हैं मिड का फॉर्मूला,
मिड में हम टेक्स्ट उठाते हैं, खास बात क्या है इसके अंदर, स्टार्ट नम और कितने कैरेक्टर, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें और कितने कैरेक्टर उठाए। अब 7 तक तो ये नाम हो गया, 8वां स्पेस हो गया, तो मैंने कहा 9 से स्टार्ट करो और 5 कैरेक्टर आप उठा लो। तो ये हमारे पास इनके अलग अलग हो गए। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो हर बार तो ऐसा होगा नहीं, नेम में मतलब कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अभी हमने सीखे लेफ्ट राइट और मिड फॉर्मूला। अब इनको थोड़ा सा ऑटोमेट करने के लिए हमें अदर फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब एक फाइंड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अब फाइंड के फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, हम नंबर इनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं स्पेस के माध्यम से। तो हम यहाँ पे हमारे दो स्पेस हैं जो हमारे हेल्पफुल होंगे, एक फर्स्ट स्पेस होगा इसके लिए, सेकंड स्पेस होगा हमारे मिडिल नेम के लिए। तो सेकंड स्पेस मैंने बताया था, अगर फाइंड के फॉर्मूला में आप जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसकी डिफाइन कर सकते हैं, तो सेकंड स्पेस। और यहाँ पे एक चीज चाहिए होगी मुझे, टोटल लेंथ, ठीक है जी। तो टोटल लेंथ का तो आसान सा फॉर्मूला है, लेंथ के फॉर्मूला से आप ले सकते हैं डायरेक्ट, आ गया। फर्स्ट स्पेस को अगर मुझे फाइंड करना है तो जस्ट फाइंड का वो लगेगा, टेक्स्ट में दे दूंगा स्पेस, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस दे दिया मैंने। अब विद इन टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट, और स्टार्ट नम 1 से स्टार्ट करेंगे, पहली पोजीशन से। तो इसने फर्स्ट स्पेस मुझे ढूंढ के दे दिया कि 8th पोजीशन पे फर्स्ट स्पेस। और सेकंड स्पेस को क्या करना पड़ेगा मुझे, लगेगा वही फाइंड का फंक्शन, स्पेस ही फाइंड कराऊंगा मैं विद इन टेक्स्ट ये, पर जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो मैं ये दे दूंगा फर्स्ट स्पेस प्लस 1, क्योंकि अगर मैं प्लस 1 नहीं करता हूं तो 8वीं पोजीशन पर तो वैसे ही स्पेस है, तो अगेन मुझे 8 रिटर्न कर देगा, इसलिए मैंने प्लस किया। मैंने कहा आप 9 से ढूंढना शुरू करो, मतलब फर्स्ट स्पेस में प्लस 1 कर दिया मैंने, कहा उस कैरेक्टर से अब आगे का स्पेस ढूंढो। तो ये मेरे पास इस तरह से फिगर आ गए। यही फॉर्मूला मेरे अगली बार में डिफरेंट रिजल्ट शो करेंगे। अब मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूं, पहला मेरा लेफ्ट का फॉर्मूला है, ये टेक्स्ट ले लिया मैंने, कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मैं फर्स्ट स्पेस -1 कर देता हूं, ठीक है जी, यहां आ गया। लास्ट नेम के लिए क्या करूंगा मैं, राइट टेक्स्ट। अब इसमें क्या करूंगा, टोटल लेंथ जो है उसमें से सेकंड स्पेस माइनस कर दूंगा, ठीक है जी, ये आ गया। अब मिडल के फॉर्मूला के लिए क्या करूंगा मैं, मिडल नेम के लिए टेक्स्ट लूंगा। अब स्टार्ट कहां से करना है, फर्स्ट स्पेस प्लस 1, और कितने कैरेक्टर उठाऊंगा, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस एंड आई थिंक -1 लगा के देख लेते हैं। यस, -1 इसलिए किया क्योंकि अगर मैं 7 में से 13 घटाऊंगा तो मेरे को 7 वापस मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, 6 वापस मिल जाएंगे, जबकि कैरेक्टर है 5, क्योंकि वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, तो -1 लगा दिया मैंने। अब यही फॉर्मूला हेलो, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है रविंदर जी, हेलो हेलो रविंदर जी,
कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? तो स्टार्ट करें अगर मैं क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, संजय जी को आ रही है? अच्छा, अच्छा, रविंदर जी नहीं बोल रहे? रविंदर जी कहाँ गए? अच्छा, रविंदर जी ऑफलाइन हो गए। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो रहेगी। तो मैं ये कह रहा था कि जब हमने ये लेफ्ट का फंक्शन यूज किया, मिड का फंक्शन यूज किया एंड राइट का फंक्शन यूज किया विथ सपोर्ट ऑफ फाइंड फंक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट स्पेस फाइंड किया, सेकंड स्पेस फाइंड किया और टोटल लेंथ फाइंड की, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कि मैंने इसमें -1। हाँ, तो अब बारी है इन फंक्शंस को कंबाइंड करने की। अब मैं करता हूं इन फंक्शंस को, क्योंकि हर बार मैं इन फंक्शंस को अलग अलग तो रख नहीं सकता, अब एक साथ कर लेता हूं। क्या करूंगा मैं, इसमें मैंने जिस जिसका रेफरेंस लिया है ना, उन सबको मैं यहीं कर दूंगा। अब जैसे H4 दिखा रहा है यहां पे, जो कि यहां पे रेफरेंस है, अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला उठा के यहां कॉपी कर दूंगा। तो मैं इसमें गया, यहां से फॉर्मूला कॉपी किया, ये इक्वल टू से पहले पहले सारा, और यहाँ H4 को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। ठीक है जी। दूसरा, अभी खैर जरूरत है क्योंकि सेकंड नेम के लिए मैंने अभी कुछ नहीं दिया है। अब ये मिडल नेम में मैंने क्या क्या यूज किया है, अपना एच का यूज किया, H4 यूज किया है और I4 यूज किया है, तो H4 I4 में मैं ये रिप्लेस करूंगा, यहां से कॉपी करूंगा फाइंड से पहले तक का, और यहाँ पे H4 में जहां जहां H4 मैंने यूज किया वहां वहां पेस्ट कर दूंगा। इस जगह सिलेक्ट किया मैंने, ये पेस्ट कर दिया, यहाँ किया है, ये पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ, इसमें I4 और है, तो I4 यहाँ से मैंने I4 लिया। पहले तो मुझे इस I4 को भी सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसका भी रेफरेंस लेता है, तो जो मैंने H4 में फॉर्मूला डाला है वो मुझे यहाँ भी पेस्ट करना पड़ेगा इसको फ्री करने के लिए। यहाँ अब मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करूंगा अगेन और वहां डाल दूंगा जहां I4 है, तो यहाँ पे ये I4 है, ये फॉर्मूला डाल दिया, लंबा जोड़ा फॉर्मूला बट सिंगल काम कर रहा है और किसी का रेफरेंस नहीं। अब राइट का फॉर्मूला, इसमें दो चीजें ले रहा है, सेकेंड स्पेस और ये टोटल लेंथ J4 I4। तो मैंने लिया I4, यहां हो रखा, इधर डालते हैं, I4 में मैंने यहां पेस्ट कर दिया, ये J4 का सिंपल सा फॉर्मूला लेंथ वाला, इसको यहां पेस्ट कर दिया मैंने।
यहाँ। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी कर देता हूँ तो ये मेरा इंडिविजुअली वर्क कर रहा है एक एक फॉर्मूला। तो इस तरह से हम राइट लेफ्ट फाइंड और लेंथ का इकट्ठे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके सर, ठीक है सर। और इसको हम इफ फंक्शन के थ्रू और भी ऑटोमेट कर सकते हैं। सपोज हर जगह तो ये होंगे नहीं, समझ लीजिए कि मेरा नाम इस तरह से है और अब मैं करता हूं तो दो जगह एरर दिखा दी इसने। क्यों एरर दिखा दी? क्योंकि यहां फर्स्ट स्पेस तो है पर सेकंड स्पेस नहीं है। अब सेकंड स्पेस की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो इसको हम इस फॉर्मूला के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूला को और लंबा बनाया जा सकता है। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं अगर ये आप लोगों पे नहीं बना तो फिर मैं इसको बनाऊंगा। आप लोग बना के इसको मुझे मेल कर कीजिएगा। इसमें आपका इस एरर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कोई भी लॉजिक इफ के थ्रू आप फिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये आसान वाला है। ओके सर, ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको। तो आगे चलते हैं और टेक्स्ट के फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन से बच गए। एक जो केस सेंसिटिव के लिए हम यूज करते हैं, केस चेंज केस के लिए यूज करते हैं फॉर्मूला, एक है हमारे पास अपर का फॉर्मूला। अपर का फॉर्मूला क्या करता है? अपर केस में कन्वर्ट कर देता है हमारे टेक्स्ट को। एक है हमारे पास लोअर का फॉर्मूला, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है वैल्यूज को। तो अगर आपको अपर लोअर केस में चाहिए वैल्यू, तुरंत कन्वर्जन करना है, कई बार होता है कि हमने नाम उल्टे सीधे लिख दिए, अब लिस्ट ढंग से बन नहीं पाई, तो आप चाहे तो इसे अपर का फॉर्मूला यूज करके इसको फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी कर दीजिए, आपको सही तरीके से नाम लिखे हुए मिल जाएंगे कैपिटल में। अब आपको कैपिटल में तो मिल गए, पर आपको चाहिए टाइटल केस की तरह, तो एक हमारा यूज होता है इसमें प्रॉपर का फॉर्मूला। प्रॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा टाइटल केस जैसे यूज करते हैं उस तरह से होता है। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल में कर देगा, तो आप ये यूज कर सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट के लिए। फिर पेस्ट एज वैल्यू यूज कर दीजिए, आपका तुरंत डेटा सही हो जाएगा। तो अपर लोअर प्रॉपर जो हमारा केस कन्वर्जन में काम करते हैं। मिस्टर लगाने के लिए सर आपका कंकैटिनेट का साइन यूज हो जाता है। अब जैसे मेरे को इसके आगे मिस्टर लगाना है, पर एक्चुअली अगर हम कहें मिसिज लगाना है तो फिर ये लिंग परिवर्तन ये नहीं कर पाता है, इसको नाम से नहीं पता पड़ता है, पर आप मिस्टर ही लगा सकते हैं। मिस्टर के साथ स्पेस अपना दे दें तो आपको बार बार एंड जोड़ के स्पेस देने की जरूरत ही नहीं। अब मिस्टर के साथ मैं प्रॉपर केस में दे देता हूँ, इसको प्रॉपर का फॉर्मूला लगा के मैंने ये दे दिया, ये आ गया, ड्रैग कर दिया, बढ़िया से आ गया है जी। तो आप ऐसे इनको पेस्टेस वैल्यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो होता है वो आपका कस्टम फॉर्मेट के थ्रू होता है, जिसमें आप टेक्स्ट में कुछ भी आगे लगा सकते हैं। सो मिस्टर्स, मेसर्स, ऐसी भी कभी भी कोई सेलिब्रेशन लगानी हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट्स के थ्रू भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है। रिपीट का, आरईपीटी का मैंने कल बताया था, मेरे को अगर याद है तो, जो मैंने चार्ट दिखाए थे आपको, बार चार्ट, इसी के थ्रू। रिप्लेस का फॉर्मूला, हमारे पास एक रिप्लेस है और सब्स्टिट्यूट है, दो फॉर्मूला है,
सेम काम करते हैं, बस इनकी वर्किंग अलग अलग है। चलिए इनको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट क्या है, हम इसको सिलेक्ट दे देंगे ओल्ड टेक्स्ट। ये स्टार्टिंग कहां से करनी है, सपोज मुझे ए हटा के यहां पे डबल ई लगाना है, तो मैं क्या कह रहा हूं, स्टार्टिंग जो करनी है सेकंड इंडेक्स नंबर से करनी है, मतलब सेकंड लेटर से करनी है। कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, मैंने बोला ए हटा के डबल ई लगाना है, ठीक है जी, तो मुझे एक ही कैरेक्टर चेंज करना है, तो इसलिए मैं यहां पे वन दे दूंगा, एक दे दूंगा। न्यू टेक्स्ट क्या रहेगा, न्यू टेक्स्ट मैंने कहा आप यहां पे डबल ई लगा दो, ठीक है जी, तो सिंपल सा यूज है, यहां पे आपका डबल ई लग गया, ठीक है, ए को रिप्लेस करके डबल ई लग गया। जो इसका फॉर्मूला फॉर्मेशन है, उसमें पहला पैरामीटर है ओल्ड टेक्स्ट, जिसमें आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, कितने कैरेक्टर्स आपको चेंज कर रहे हैं, कि कितना है, मतलब कैरेक्टर्स पे इफेक्ट जाए इसका, और क्या चेंज करना है, तो यहां से आप ये पैरामीटर्स देके आप अपना काम करवा सकते हैं। इसी की तरह ही एक फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट, बस इनका तरीका अलग अलग है, वहां पे तो आपको इंडेक्स पोजिशन वगैरह इन सबको ध्यान में रखना होता है। इसमें सिंपल क्या करना होता है, आपने ये सिलेक्ट किया, पहला टेक्स्ट सिलेक्ट किया ओल्ड टेक्स्ट, आपने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट ए, न्यू टेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल ई, इंस्टेंस नंबर मतलब एक से ही शुरुआत करनी है, तो ये कर गया, ये भी सेम काम किया, पर ये थोड़ा सा आसान हो जाता है जब आपको रिप्लेस थोड़ा सा टिपिकल लगे, तो इसको आप समझ सकते हैं। इसमें सिंपल आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, पुराना टेक्स्ट क्या था, नया टेक्स्ट क्या देना है, और कहाँ से स्टार्ट करना है, ये ऑप्शनल है, ना भी दे तब भी करेगा काम। सर अगर नेम में दो ए है तो कैसे होता है, अगर इसमें दो ए होते तो ये दोनों को चेंज कर देता, सपोज यहाँ भी ए था, अच्छा ये फर्स्ट को ही चेंज कर रहा है, सिंगल को ही चेंज करेगा, अगर मैं इसको कहूँ एक बार में एक ही करेगा ये, अगर मैं इसको कहूं कि तीन से स्टार्ट करें, ए क्या कर रहा है, ये इंस्टेंस नंबर हटा दूं, यस अगर मैं इसका इंस्टेंस नंबर हटा दूं तो ये उसके अंदर सबको कर देगा। चलिए इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जब भी आपको किसी फंक्शन के बारे में जानना हो तो यहाँ fx का कीवर्ड है, तो आप इसमें ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगी, तो इंस्टेंस नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है स्पेसिफाइज विच अक्रेंस ऑफ ओल्ड टेक्स्ट यू वॉन्ट टू रिप्लेस, इफ ओमिटेड एवरी इंस्टेंस ऑफ ओल्ड टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड, मतलब हर कोई चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, अगर मतलब हम कुछ नहीं लगाए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, पर अगर मैं दो एक लगाता हूं तो पहला वाला चेंज होता है, दो लगाता हूं तो दूसरा वाला चेंज होता है, ठीक है जी, अकरेंस के हिसाब से इंस्टेंस ले रहा है ये इंडेक्स नहीं ले रहा है, ठीक है जी, जैसे पहली बार ये आया दूसरी बार ये आया ऐसे लेगा ये, ठीक है जी। तो कोई भी फॉर्मूला जानना हो तो आपका ये एफएक्स का फंक्शन जो है बहुत कारगर होता है, अगर इसमें थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी, अगर इसमें भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट है कहीं, तो यहाँ पे चले जाइए हेल्प ऑन दिस फंक्शन, क्योंकि सब कुछ इधर ही अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, यहाँ पे इसका पूरा विद एग्जाम्पल दिया होता है, ठीक है जी, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इसके बाद भी ना समझ आए तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करें फॉर्मूला नाम डाल के, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल उसके भी मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला तो बस प्रैक्टिस के बेस पे चलते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने आपको याद रहेंगे, अदरवाइज जिस टाइम आपको काम पड़ेगा ना उस टाइम जरूर भूल जाएंगे आप फॉर्मूला, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके मतलब फायदे में आएगा ये।
हाँ कुछ नहीं करना है, आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है कि ऐसे इस तरह से लगा लिया उस तरह से लगा। अब बस एक बार उसके पैरामीटर्स को देख लें लगा के, ताकि आपके दिमाग में रहे वो फॉर्मूला। जैसे हनुमान चालीसा नहीं होती वैसे आप रट्टा लगा लीजिए एक एक फॉर्मूला का, तो ये आपको काम पढ़ने पे आते रहेंगे दिमाग में। नेट पे दुनिया भर के, जैसे आपके पास अपनी प्रॉब्लम तो आती आती है, बाकी किसी गरीब की मदद भी कर दें ऑफिस में अपने कलीग्स की जो हल्के हैं फॉर्मूला में, उनकी मदद करते रहें, तो उससे क्या होगा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन फाइंड करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। एक सेकेंड से कॉल आ रही है। हेलो, अच्छा हाँ जी सर भेज दूंगा, डेफिनेटली भेज दूंगा। ओके सर, ओके सर। आगे देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला में, रिप्लेस राइट सर्च। ये हमारे पास सर्च का फंक्शन है, हमने फाइंड का यूज किया और सर्च का यूज किया। सर्च का यूज मैंने बताया आपको, फाइंड और सर्च एक ही जैसा काम करते हैं वैसे। अब बस दोनों में डिफरेंस इतना है, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो सर्च है आपका केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए लगा दूं तो ये एरर दिखा रहा है। सर्च का जो है सेम पैरामीटर लेंगे, कैपिटल ए लगा दूं, फाइंड आपका केस सेंसिटिव है, और जो मेरे ख्याल से ये आपका नहीं है, सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है, ये वैसे भी आपको ढूंढ के देगा। ठीक है सर, बाद में मैं, हाँ जी बताइए। यस, ये जो सर्च जो है इसमें क्या किया मैंने, कैपिटल ए सर्च करवाया है, कैपिटल ए तो है नहीं यहाँ, तो सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। और फाइंड में मैंने सेम चीज सर्च कराया तो ये फाइंड नहीं कर रहा है, फाइंड जो है केस सेंसिटिव है, जो आपने बोला है वही चीज ढूंढ के देगा आपको। ठीक है जी सर्च। अब हाँ जी सर बताइए। अगर लोअर केस लगाए तो आंसर और रिजल्ट टू ही आता कि स्मॉल ही आता? लोअर केस लगाए तो वो आपका देगा टू ही आएगा, क्योंकि सर्च में, सर्च में भी यही आएगा सर। ये देखिए मतलब सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे है ना ये अकरेंस नहीं दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है, ये नहीं दिखा रहा कि कितनी बार आया है। ठीक है जी, ओके सर, अच्छा समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे एक टी फंक्शन है, ये जो होते हैं टी और एन दो फंक्शन होते हैं, बहुत सिंपल यूज है इनका। कुछ हम अपना टेक्स्ट टाइप करते थे, कुछ नंबर टाइप कर देते हैं, फिर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, फिर नंबर टाइप कर देते हैं। अब जब भी आपको डिफरेंस करने हो, कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ हम नंबर्स निकाल रहे होते हैं या टेक्स्ट निकाल रहे होते हैं, टेक्स्ट ही चाहिए होता है कई बार, तो आप टी फंक्शन के थ्रू आपका टेक्स्ट आपको खाली दिखाई देगा, जहां आपका नंबर आएगा वहां ये ब्लैंक रिटर्न कर देगा, मतलब कुछ नहीं रिटर्न करेगा। इसी की तरह ही टी की तरह ही एन फंक्शन होता है। अब एन क्या करता है, ये आपको ब्लैंक तो रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैंक पार्ट है उसका टेक्स्ट का, तो ये जीरो रिटर्न करेगा आपको टेक्स्ट की जगह पे, बाकी जगह आपको नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, कभी आपको छांटने हो तो इस तरह से आराम से छांट सकते हैं। हाँ मैं भी इसका बहुत कभी कभी यूज कर लेता हूँ जब मूड में आता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मूला सबसे पावरफुल फॉर्मूला, जितना आपने कस्टम फॉर्मेटिंग में सीखा है वो सब टेक्स्ट कर सकता है। ये मेरे ख्याल से सुजीत सर ने आपको बताया होगा इस फॉर्मूला के बारे में, टेक्स्ट का बताया नहीं बताया?
चलिए टेक्स्ट का डेमो दे। हाँ, इसमें आपकी हर एक कस्टम फॉर्मेट वर्क करता है। सपोज मैंने यहाँ पे कोई डेट डाली, ठीक है जी, टेक्स्ट क्या करता है, जैसे हम कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि वो डेटा की विजिबिलिटी को चेंज करता है, रियलिटी को नहीं, रियल में वैल्यू वही रहेगी आपकी, बस खाली विजिबिलिटी अलग अलग आपको दिखाएगा। तो टेक्स्ट फॉर्मूला के जरिए जब आपको वैल्यू की रियलिटी चेंज कर रही हो उस टाइम आप टेक्स्ट का यूज करेंगे। टेक्स्ट में हम रेफरेंस ले लेंगे। अब मुझे चाहिए इधर, मैं कस्टम फॉर्मेट जो है टेक्स्ट के अंदर लगाता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, MMM डॉट वाई वाई, मतलब इसमें मैं मंथ और ईयर लूंगा खाली, और जब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो ये एज ए मुझे टेक्स्ट मिलेगा, ये टेक्स्ट के रूप में मुझे मिल जाएगा। कई बार इस तरह की जरूरत आती है तो बहुत काम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक सेकंड सर। हाँ जी सर, ठीक है सर, ठीक है, हाँ नहीं चल रही है, ओके सर। तो टेक्स्ट फॉर्मूला को आप अपने कस्टम फॉर्मेट्स के साथ यूज कर सकते हैं। कई बार आपको मंथ के नाम पूरे चाहिए कि मंथ के ही नाम दे दो, चार बार एम लगा दिए मैंने, पूरे पूरे मंथ के नाम ले लिए ना। कई बार ऐसा होता है ना, डेट लिखी होती है, हमने कहा मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो आपको एक कॉलम साथ में करके सीधा सीधा मंथ कर लीजिए, तो आप अपना फिल्टर लगा के या जैसे भी छांट सकते हैं वैल्यूज को। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला इस काम आता है हमारे। ठीक है जी, हर एक कस्टम फॉर्मेट आप ट्राई कर सकते हैं इसमें लगा लगा के, आपको रियलिटी दे देगा उसकी। जैसे आपके चेक नंबर्स, आपने जैसे हम आपने चेक नंबर्स का एक एग्जांपल देखा होगा कि यहाँ पे आपने ये कुछ चेक नंबर डाल दिया, अब इसमें उन्होंने बताया गलती से गायब हो गया, पर आप कस्टम फॉर्मेट के जरिए दिखा तो देंगे है ना, पर आपको वाकई में वही चेक नंबर चाहिए तो टेक्स्ट के फॉर्मूले के थ्रू उसको रियली में गेट कर सकते हैं, 0000000। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट उसमें काम कर जाएगा आपका। यहाँ से जब आप पेस्ट करेंगे वैल्यूज को तो आपको एज इट इज वैल्यूज मिल जाएगी रियल में, खाली विजिबिलिटी नहीं। ठीक है जी, पेस्ट एज वैल्यूज करता हूँ मैं। ओके, वैल्यूज, ओके, हाँ जी हाँ जी, वो अपने आप टेक्स्ट फॉर्मेट ही ले लेगा, उधर जहाँ भी आप पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे वो अपने आप टेक्स्ट फॉर्मेट लेगा, टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या करें। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसमें ट्रिम का फंक्शन है और ये वैल्यू का फंक्शन है। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है कि कभी कभार आप टाइप कर रहे हैं या ईआरपी में डेटा निकला तो आगे स्पेस लग गया इसमें, मतलब यहाँ पे एक स्पेस आ गया और मान लीजिए यहाँ, तो आगे पीछे अगर कोई स्पेस होता है, इसकी एक बार लेंथ चेक करते हैं लेंथ के फॉर्मूला से, और दोबारा लेंथ चेक करेंगे जब हम इसमें ट्रिम का फॉर्मूला लगा के इस वैल्यू को ले लेंगे। तो दो स्पेस लगाए थे मैंने, इसने दोनों स्पेस रिमूव कर दिए, तो ये ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव कर देता है आपका ट्रिम का फॉर्मूला। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के आपने यहां से डी डी डे ले लिया। ठीक है जी, अब यहां से मैंने क्या किया, एक प्लस, कई बार क्या होता है कि ये प्लस करना चाहें तो नहीं होता है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को वैल्यू के अंदर डालेंगे। वैल्यू क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए अगर ये टेक्स्ट की तरह दिखा रहा है और कैलकुलेशन में नहीं आ रहा, तो एक बार आप वैल्यू फॉर्मूला का यूज करके देखें तो इसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा।
फिर इसके साथ आप कोई भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे सारे टेक्स्ट फॉर्मूलाज, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप लोगों की, ये प्रदीप जी की मैं आईडी ले लेता हूँ, और कल की क्लास, और संजय जी आपको मैं पहले तो कल की क्लास मेल करता हूँ, क्लास का लिंक, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास का भी मैं उस पर कर दूंगा। इसमें कॉपी ईमेल एड्रेस यहाँ पे, संजय जी का कॉपी ईमेल एड्रेस, अब जैसे ही वो रिकॉर्डिंग भी तैयार हो जाएगी तो मैं उसको भी कर दूंगा। तो रिकॉर्डिंग क्लास कल क्या थी, 30 अप्रैल, 14, तो मैं आपको इसके इसके रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, मेल कर देता हूँ। ठीक है जी, तो आज के लिए विदा लेते हैं, बाकी कल मिलेंगे।